बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा की ओर से बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक को आज 113 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 113वां वर्धापन दिन मनाया गया, जिसे बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा पारशिवनी में शाखा प्रबंधक भूषण जोशी के साथ कर्मचारियों ने मंगलवार की सुबह बैंक कार्यालय पारशिवनी में वर्धापन दिन मनाया। इस अवसर पर सभी को बैंक की ओर से शुभकामनाएं दी, जिसमें बैंक शाखा प्रबंधन भूषण जोशी ने बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की प्रतिमा की पूजा अर्चना कर माल्यार्पण किया, वही केक काटकर सभी को इस अवसर पर बधाई दी। इस अवसर पर बीसीएन न्यूज से बात करते हुए शाखा प्रबंधक ने कहा कि दिनांक 20 जुलाई 1908 को गुजरात की रियासत बड़ौदा में बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना की गई। इस वर्ष हम 113वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। हमारे पास इस शानदार यात्रा का जश्न मनाने और इसके धरोहर को संजोकर रखने के अनेक कारण हैं। 113 साल की यात्रा के रूप में बैंक ऑफ बड़ौदा ने लंबा सफर तय किया है और इसमें आप निरंतर हमारे साथी रहे हैं। अच्छे और बुरे समय में एक दूसरे का साथ देते हुए हमने अटूट रिश्ते की पूंजी एकत्रित की है, जो हमारे लिए सुनहरे भविष्य अच्छे दिन का द्वार खोलेगी। मौजूदा दौर में विश्व अभूतपूर्ण समस्याओं से जूझ रहा है। महामारी ने इतने वर्षों से चली आ रही हमारी कार्य प्रणाली को पूरी तरह बदल दिया है, लेकिन यह बैंक को दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ने से रोक पाने में सफल नहीं हो पाया है। हमने प्रत्येक चुनौती का जवाब परिवर्तन से दिया है। परिवर्तन हमारे नजरिए में, परिवर्तन हमारे समाधानों में। आज हमारी सेवाएं उत्कृष्ट होती जा रही है, परंतु सुरक्षा का मुद्दा हमारी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है। निरंतर बदलती तकनीकी के रूप में हमने स्वयं को ढालना सीख लिया है और साथ ही बैंकिंग को भी आसान बना दिया है। यह सब देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा अपनी पूरी क्षमता से लोगों की सेवा में कार्यरत है। वर्धापन दिन कार्यक्रम में समाज सेवी सचिन आमले, पूर्व ग्राम पंचायत सदस्य नितिन पनवेलकर, बैंक अधिकारी किरण टेकाम, कर्मचारी राहुल बिस्ने, अंकित कामड़े, योगेश आसरे, कोमल भोगड़ी, नीलेश मंथन बावनी इस अवसर पर मौजूद थे। आज बैंक ऑफ बड़ौदा आमच्या रिजनल ऑफिसच्या परमिशनने आम्ही 114 लावून एक नवीन उपक्रम करणार आहोत। तसेच आज ग्राहकांना काय काय सुविधा बँकेमध्ये, आता ग्रामीण बँक असल्यामुळे मुख्यतः ग्रामीण बँकांना पीक कर्ज या इतर माहितीच्या, पत्रकारांना लोन फायनान्स आणि गरजू लोकांना घरांचं फायनान्स हे सुद्धा आमच्या बँकेकडे होतं। ग्राहकांची सेवा देणं हेच आमचं कर्तव्य आहे। बँक कस्टमर सुखी तर आम्ही पण सुखी असं आमचं ब्रीद वाटतं। बीसीएन न्यूज के लिए पार्श्वनी से रुपेश खंडारे की रिपोर्ट।